फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। गर्मियां जस्ट जाने वाली हैं, तो चलिए लास्ट टाइम मैंगो मिल्कशेक को एंजॉय करते हैं। मैंगो मिल्कशेक थ्रू आउट द ईयर हम एंजॉय कर सकते हैं मैंगो पल्प से, बट जो ओरिजिनल मैंगो शेक होता है उसकी क्या बात है। तो यहाँ पर मैंने इन्ग्रीडियंट्स रेडी कर लिए हैं, जो कि है मैंने एक अल्फोंसो मैंगो लिया है, उसको मैंने चॉप करके फ्रीजर में रख दिया था 30 मिनट्स के लिए और ये बहुत ठंडा हो चुका है। तो ये अल्फोंसो मैंगो है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप से थोड़ी कम शक्कर ली है, शुगर लिया है, और यहाँ पे मैंने ये मिल्क लिया है 1.5 कप। मैंने 1 कप अभी लिया है, 1/2 कप मैं बाद में लूँगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल टच है, 4 आलमंड्स, 4 कैश्यूज एंड थोड़ी सी चॉप्ड अल्फोंसो पीसेस गार्निशिंग करने के लिए। आप ये ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं, आप सिंपली इसको मैंगोज के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि एक ब्लेंडर ले रहा हूँ मैं, और इस बार मैंने प्लास्टिक का ब्लेंडर, इसमें हम अपने पहले सबसे पहले मैंगोज डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर डाल देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से, जो कि 4 कैश्यूज 4 आलमंड्स, और हम थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा इसमें मिल्क डालेंगे ताकि मैंगोज जो हैं वो ब्लेंड हो जाए अच्छे तरीके से। ये काफ़ी थिक मिल्क शेक बनता है, तो आपको इसमें मिल्क और अगर उसके बाद भी आपको थिक लगे तो उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये मैंगो मिल्क शेक थोड़ा थिक ही पसंद है। तो चलिए मैंगो शेक अभी इसको हम पल्स करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मेरे मैंगो पल्प बन के रेडी हो गया है, जो मैंगो है वो प्रॉपरली ग्राइंड हो गया है फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो अब मैं इसमें अपना बाकी का मिल्क डाल दूंगा और उसको कुछ 2 से 3 सेकंड के लिए चर्न करूँगा, बिकॉज मिल्क जल्दी मिक्स हो जाएगा इसके साथ। अभी यहाँ पे मैंने इसको वापस से डाल दिया है ग्राइंडर के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है, काफ़ी थिक मिल्क शेक बना है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्विंग के लिए कम सर्विंग ग्लास लेंगे। मैं इसमें टोटल 1.5 कप ऑफ मिल्क लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक बनाया है मैंने, बिकॉज मुझे थोड़ा थिक ही पसंद है। आफ्टर दैट हम इसको क्या करेंगे कि जो हमने छोटे से मैंगो के पीसेस लिए हैं उसको हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा। इस तरीके से कुछ, और जो हमने मिक्स्ड नट्स लिए हैं ड्राई फ्रूट्स उसको हम थोड़े से ऊपर से डाल देंगे, जिसमें कि हैं थोड़े से आलमंड्स, थोड़े से कैश्यूज और थोड़े से पिस्ताशियोस। तो फ्रेंड्स, हमारा मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। उम्मीद होगी आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो आप ये मैंगो मिल्क शेक घर पे बनाइए, मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।